हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका फिर से भारत एक मौज में। और ज़्यादा बकवास करे बिना जो मैं शुरू में एक्साइट होने की कोशिश करता हूँ खाम को ये दिखाने के लिए आपको कि देखो पता नहीं क्या कमाल होने वाला है शोज़ में, तो वो करे बिना सीधा चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी मौजें होंगी इस बार जिस पे हम टिप्पणी कर सकें, और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना आपने एक्साइट होना है या मुरझाना है। बहुत कुछ मान लें, आइए देखते हैं भारत एक मौज। देखें, जब हम सबके सब छोटे थे तो या बहुत ज़्यादातर बच्चे जो भी अफोर्ड कर सकते थे बचपने में ना, वो इंद्रजाल कॉमिक्स, राजन इकबाल और लंबू मोटू, इस तरह के कॉमिक्स पढ़ते थे जो बेसिकली क्राइम थ्रिलर्स होते थे और जिनमें कोई राजन इकबाल जैसे जासूस थे वो सॉल्व करते थे। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट हम सब लोग ना उनसे ग्रो आउट कर जाते हैं, इन द सेंस कि हम हो गया बचपन में, अब आगे बढ़ो और चीज़ों को पढ़ो, इतिहास को पढ़ो, भूगोल को पढ़ो, साइंस को पढ़ो, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखो, ये सब हम इन पर ग्रेजुएट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पे हैं, आपने देखा हो आपके आसपास इस तरह के लोग हैं, कुछ लोगों के दिमाग पे ना इस तरह की कॉमिक्स ना बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं, उनके दिमाग को कुछ हो जाता है, हो सकता है क्योंकि बचपन का दिमाग होता है नाजुक होता है और उस पर असर पड़ जाता है, और असर इतना पड़ जाता है कि दे आर नॉट एक्चुअली एबल टू ग्रो आउट ऑफ दीज कॉमिक्स एंड दे ग्रेजुएट टू मनोहर कहानियां। और ये जो गाड़ी इस वक्त अंदर गई है, इनोवा गाड़ी, मैं आपको बता रही हूँ, रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी से निकलेंगी, इसी गाड़ी से वो सीबीआई ऑफिस जाएंगी। इस वक्त मैं आपको बड़ी जानकारी दे रही हूँ, बड़ी जानकारी दे रही हूँ। ये जा रही है जो गाड़ी, ये कैमरामैन दिखाएंगे इस गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं, दीपिका पादुकोण है, मैं इनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ड्राइवर उनको फॉलो करेंगे। अब देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने मेंटल इलनेस के चलते अपनी जान ली, बहुत ही दुखद घटना थी। मेंटल इलनेस पे फोकस होने के बजाय फोकस इस बात पे कर दिया इन क्राइम थ्रिलर्स वालों ने, घटिया क्राइम थ्रिलर्स वालों ने, कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है और मर्डर किसने किया। इनको एक बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर भी मिल गई मणिकर्णिका दीदी, उन्होंने भी इनपुट दिए इनको। अब टैलेंट तो छुपाया नहीं छुपता है ना, ऐसी घटियापन भी छुपाया नहीं छुपता है, तो इन सो कॉल्ड पत्रकारों को जिन्हें एक्चुअली क्राइम घटिया क्राइम सीरीज लिखनी चाहिए थी, उन्होंने न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी और न्यूज़ को उन्होंने क्राइम घटिया क्राइम सीरीज बना दिया। आई नेवर डू इट विदाउट एविडेंस। मेंटल हेल्थ के इशू को छोड़ के फोकस किया गया कि मर्डर किसने किया। चलो ठीक है, दर्शक देख रहे हैं बैठ के, रातों खाना खाते समय या अपने जो ड्रिंक लेते समय लोग देख रहे हैं, चलो भी आज का मनोरंजन क्या, न्यूज तो कुछ रहा नहीं है कि अब देखें इसका मर्डर किसने किया है, इस सस्पेंस का खुलासा क्या होता है। इफ मीडिया हैड नॉट कवर्ड, इफ टाइम्स नाउ हैड नॉट कवर्ड, वी प्रोबेबली वुड हैव नॉट हैड इवन अ इन्वेस्टिगेशन इनटू सुशांत सिंह राजपूत केस। फूल्स। खबर आगे बढ़ती गई, बॉलीवुड के कौन कौन पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होते, कि सस्पेंस टाइट होता चला गया, लोगों को लगा बाद में पता नहीं कौन सा बड़ा एक कांड खुलासा सामने हो क्या आएगा, कितना बड़ा नाम निकल गया जिसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करी है। लेकिन निकला क्या, क्लाइमेक्स में क्या निकला, दीपिका पादुकोण गांजा फूंकती है। ये कैसी फिल्म है? इफ यू लुक एट मी यू वुड थिंक आई एम स्मोकिंग, राइट? दोस्तों, सुनील गावस्कर साहब ने आईपीएल में कमेंट्री करते वक्त एक मैच में विराट कोहली के ऊपर एक कटाक्ष मारा जिसमें अनुष्का शर्मा का भी नाम आ गया। कमेंट कोई बहुत ज़्यादा शालीन नहीं था, लेकिन जो है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हुई एक तो अनुष्का शर्मा को ही, जिन्होंने ट्वीट का जवाब दे दिया। लेकिन अब हमारे देश की नई मणिकर्णिका कंगना रनौत को हर चीज़ में प्रॉब्लम होने लग रही है, हर चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, अपना ओपिनियन देना, अपने टू सेंट्स देने बहुत जरूरी है। इफ शी कैन गेट अ टिकट, व्हाई वुडंट आई गेट अ टिकट? Anybody is getting a ticket. Everybody is getting a ticket. और आजकल उन्हें ये फेमिनिस्ट और मिसोजिनिस्ट इस किस्म के वर्ड्स का मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने अनुष्का के सपोर्ट में एक्चुअली ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि जो भी गावस्कर साहब ने किया है वो गलत किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कंगना रनौत ने कि अनुष्का शर्मा को एक तरफ से कैरेट दी, दूसरी तरफ से स्टिक दी, और ये बोला कि अनुष्का शर्मा तब तुम कहाँ थी जब मुझे हरामखोर कहा जा रहा था। Where were you? अब कंगना रनौत ने फिर लास्ट में ये भी एक क्वालिफाइंग स्टेटमेंट दिया अनुष्का शर्मा के लिए कि नाउ मिसोजिनी हैज कम टू बाइट यू, द सेम मिसोजिनी, एंड सेलेक्टिव फेमिनिज्म इज नॉट कूल, ये बोला अनुष्का शर्मा को। अब कंगना रनौत जी, आप जो फार्मर्स को टेररिस्ट बोल रही हैं वो कूल है, -50 डिग्री सेल्सियस कूल, मतलब अगली बात आपसे क्या सुने। हम तो यही सोचते रहते हैं कि आपने ये वर्ड सीख लिए हैं मिसोजिनी फेमिनिज्म, और आप इसका ट्रू मतलब भी समझ लेना एक बार। मैं कोई नहीं होता आपको सिखाने वाला फेमिनिज्म, क्योंकि मैं तो खुद एक मर्द हूं, मैं मैंसप्लेनिंग नहीं करना चाहता, आपको मेरे से बेहतर पता होगा। लेकिन थोड़ी कंसिस्टेंसी अपनी पॉलिटिक्स में रखें ना, एक तरफ तो आप फेमिनिज्म और मिसोजिनी की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ आप फार्मर्स को टेररिस्ट कह रही हैं, अब आपसे क्या सुनना बाकी रह गया। मतलब मुझे तो लग रहा है कल को आप किसान जिहाद ना बोल दें इनको। यार, किसान और श्रमिक के नाम अनेकों बार सरकारें बनी लेकिन
उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल। अभी फार्मर्स को ही ले लो यार, ये खामखा फिर से प्रोटेस्ट करने लग गए। मैंने पिछले उस वीडियो में भी कहा था कि यार इनको क्या पड़ी हुई है, खामखा अपने इशू लेके सड़क पे आ जाते हैं। भैया मोदी जी ने कहा है तो सही कहा होगा ना यार, इन्होंने कहा है कि भैया ये बिल जो हम लेके आ रहे हैं ये फार्मर्स के हित में है, तो मान क्यों नहीं लेते? वो कुछ सोच समझ के ही करते हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं कभी भी। उन्होंने कोई भी बात उन्होंने खामखा ही नहीं बोल दी है, उसका मीनिंग होता है। हाँ भाई ये बात अलग है कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे या जीएसटी के टाइम पे या कोरोना के टाइम पे एक दो बात उनके मुंह से झूठ निकल गई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है सारी बातों को आप ऐसे डिसमिस करते चले जाओ यार, कि आपके भले के लिए किया जा रहा है। आप फिर बेमतलब में चक्का जाम कर रहे हो, कभी भारत बंद कर रहे हो और कभी अपनी मांगे ले लेके बाहर आ रहे हो। यार आप लोग कौन हो? आपको देश की कोई चिंता है या नहीं है? पूरा देश इस समय, पूरा देश का मीडिया, पूरा देश इस समय बॉलीवुड को क्लीन करने पे लगा हुआ, आपको अपनी पड़ी हुई है यार। आप सोचो अगर दीपिका एक्सपोज नहीं होती मीडिया के एफर्ट से, तो दुनिया को हम क्या मुंह दिखाते हैं एज एन इंडियन? आपको अपनी पड़ी हुई है यार कि आप हमारी मांगे देखो और हमारा हित देखो। यार आप इतनी बात समझते नहीं हो, अगर आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो आज मीडिया में दीपिका पादुकोण और ये सारा अली खान और एक्स वाई जी जो भी बॉलीवुड के, उनकी जगह आप नहीं आ रहे होते? आप इंपॉर्टेंट नहीं हो यार। आपके लिए मोदी जी ने कर दिया, आपके लिए फॉर्म बिल्स दे दिया, आपका काम ये है आप चुपचाप अब जैसा कहा जाए वैसा करते चले जाओ और बिना किसी शको शुभा के मोदी जी की बात मान लो, उन्होंने आपके हित में कही है। आप किसान मजदूर हो यार, आप वही रहो, ज्यादा बॉलीवुड बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मीडिया को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मीडिया को इंटरेस्ट होता है ग्लैमर में, मीडिया को इंटरेस्ट होता है पर्सनैलिटीज में जो पर्दे पे दिखाई देती हैं। आप तो पर्दे पे क्या, आप तो सामने हो, किसी को तो दिखाई ना दो, आप तो बैकग्राउंड में काम करते रहते हो, तो बैकग्राउंड में चले जाओ ना यार, क्यों आके परेशान करके? जो नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है ऑफ क्लीनिंग ऑफ बॉलीवुड, उसमें बल्कि सहयोग करो आके। आप भी अपने गाँव में फैलाना शुरू करो, खेती वेती छोड़ो, बिल तो आ गया तो आपका भला हो ही जाएगा। आप फैलाना शुरू करो कि दीपिका पादुकोण क्या पीती है, रणबीर कपूर क्या पीता है, फलाना क्या पीता है, कौन कौन क्या नशा स्मोक कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मर्स ही बहुत जरूरी है आज। आप समझो, आप भी देश हित में, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करो और मोदी जी का साथ दो, मोदी जी की बात मानो और मीडिया की बात मानो, साथ दो सबका और बॉलीवुड में से गंदगी हटेगी, आपके भी सारे जो संकट हैं दूर हो जाएंगे, देश का नाम रोशन होगा। बाकी बिल तो आपके लिए आए गए, एक बार आने तो दो फिर मजे लेना, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? दादी जी रिप्लाइज माल, नाउ व्हाट इज दिस माल? ओह देयर इज अनदर मैसेज व्हिच सेज माल पुए। दोस्तों हर मोहल्ले में कुछ ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनकी लाइफ का एकमात्र मकसद ये होता है कि किसी दूसरे के घर में, किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है ये किसी तरह से उनको पता चल जाए। वो सूंघते रहते हैं कि किसी तरह से उनको पता चल जाए और फिर वो सारे मोहल्ले में फैला दें और फिर अपनी सॉरी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकें कि भैया हम तो इसलिए जी रहे हैं। तो इसी तरीके की ताक झांक कर आपकी प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी को डिजिटल लेवल पर ले गई हैं नविका कुमार। एज अ जर्नलिस्ट इट इज माई धर्मा 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 to put out the information of facts that we get. आजकल टेरर फैला हुआ है लोगों को कि व्हाट्सएप में कहीं नविका कुमार तो नहीं पढ़ रही हैं, कि किसने क्या लिखा हुआ है, क्या पता चल जाए किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में, फिर उसके ऊपर मैं टीवी प्रोग्राम चला लूं और अपनी सॉरी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करूं अपने आप को जर्नलिस्ट कह के। मैंने तो अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों ये लगा दिया है कि आंटी सूंघ रही है, हैं आप भी लगा दें, हैं ताकि जो भी आपको कोई मैसेज भेज रहा हो, प्राइवेट मैसेज भेज रहा हो, वो भी समझ जाए कि भैया यहाँ पे मतलब जैसे बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो व्हाट्सएप के कान आंख नविका कुमार हैं, वो देख रही हैं। तो जरा ध्यान से, अब वो आज़ादी वाला दिन गए जहाँ पे आपको जो करना था आप कर सकते थे बिना अपनी प्राइवेसी की फिक्र करे हुए। अब हमारे जर्नलिस्ट इतने जागरूक हो चुके हैं कि आपके व्हाट्सएप में घुस घुस के सर्च सीक्वल मारेंगे। एंड देन शी सेज प्लीज This is please and this is coming from Deepika Padukone. आपको फेमस कर दिया जाएगा टेलीविजन के ऊपर, आपके ऊपर प्रोग्राम चलेंगे, आपके ऊपर हो सकता है आपको सुशांत सिंह के मर्डर से लिंक कर दिया जाए, तो जरा ध्यान से। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर नविका कुमार को इतना शौक है लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने का, तो यार एक बार फार्मर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़ लो, मतलब ट्राई तो करो यार। एक परिवार जो एक साथ खेलता है, एक साथ फिट भी रहता है। दोस्तों एक दूरदर्शी नेता वही होता है जो आज बैठ के ना फ्यूचर देख ले, फ्यूचर की प्लानिंग कर सके, ठीक है। फ्यूचर में जो हिंदुस्तान में होने वाला है उसको जो फेस करने के लिए हैं हम तैयार हुए, इसकी प्लानिंग आज से ही जो लीडर कर रहा है वो महान लीडर है,
ठीक है, आने वाले वक्त में गिरती इकोनॉमी है और जो है जीडीपी की प्रॉब्लम्स और बेरोजगारी और भुखमरी और सोशल अनरेस्ट और चाइना की बदतमीजियां और पाकिस्तान की बदतमीजियां, इनके चलते जो हमारे मुल्क में होने वाला है उसके लिए, उसको फेस करने के लिए तैयार होना अभी से ज़रूरी है और फिट होना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने विराट कोहली और मिलिंद सोमन के साथ एक वीडियो कॉल में फिटनेस के बारे में बात करी। कभी थकान नहीं लगती क्या आपको? अच्छी बात है ना, क्योंकि कल को जब भुखमरी और बेरोजगारी का सामना होगा और हम अगर फिट होंगे तो उसका ज्यादा अच्छी तरीके से हम सामना कर सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं। और अगर फिट ही नहीं हुए तो फिर तो क्या है, बेकार की बात है। अ फैमिली दैट प्लेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो ये मेरे ख्याल से एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप मोदी जी ने लिया, दूरदर्शिता का उन्होंने परिचय दिया है कि किस तरीके से कि आने वाले वक्त की मुसीबतों के लिए अभी से तैयार होना बहुत जरूरी है। अब आप खुद ही सोचो, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स जो ये लॉकडाउन के टाइम पे इतने किलोमीटर पैदल चल चल के धक्के खाते हुए जा रहे थे, अगर इन्होंने टाइम से पहले विराट कोहली और मिलिंद सोमन से व्हाट्सएप कॉल या फेस टाइम या जूम कॉल कर लिया होता फिटनेस के बारे में, तो ये जो इतनी परेशानियां इन्होंने झेली हैं, है जिसका ठीकरा फूटा है सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, वो नहीं फूटता, वो परेशानियां बड़ी आसानी से वो झेल लेते, सिर्फ उनको ये वीडियो कॉल करने थे विराट कोहली और मिलिंद सुमन के पास। और आपको तो पता ही है विराट कोहली और मिलिंद सुमन जैसे लोग वो इतने बड़े दिल के हैं कि जब भी कोई माइग्रेंट वर्कर उनको वीडियो कॉल करेगा वो तो तुरंत उसको उठा लेंगे और फिर बैठ के उसको बताएंगे किस तरह से वो जिम में एक्सरसाइजेस करती हैं, एक दिन वेट्स की करते हैं, एक दिन कार्डियो करते हैं, एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, ये सब जान लेते हैं अगर वो माइग्रेंट वर्कर्स तो इतने धक्के नहीं खाते। तो चलिए दोस्तों, बहुत हो गया इस बार के भारत एक मौज में, मैं अब चलता हूँ, मुझे न्यूज़ देखनी है। न्यूज़ क्या, मुझे बेसिकली दीपिका का लेटेस्ट स्टेटस देखना है क्योंकि वही चल रहा है आजकल न्यूज़ पे। दीपिका यार व्हाट अ चार्मर, यू आर टॉकिंग अबाउट फार्मर, फॉर मी ओनली चार्मर्स, नो फार्मर्स। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमरख बर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। Thank you.